नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। अब NHM कर्मी भी हड़ताल पर, नपा कर्मियों की मांगों पर बनी सहमति। 10 तक मांगों का पत्र जारी नहीं किया तो हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए राज्य मंत्री सुभाष सुधा नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। वहीं पर MD डायरेक्टर ने कहा कि NHM कर्मचारियों को पक्का होने का अभी सरकार के हाथ में ही डोर है। वहीं पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मियों ने साफ कर दिया, जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पर सुधा ने कहा कि गुरुग्राम में बर्खास्त किए गए सफाई कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा, साथ ही मोबाइल का खर्च भी दिया जाएगा। पंचायतों द्वारा शामिल ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पालिका में रखे गए शर्तों को माना जाएगा। वहीं पर अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की जल्द नियमित भर्ती कर दी जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, इसके अलावा ट्यूबवेल हेल्पर, ड्राइवर तृतीय व ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को साबुन देना, वर्दी भत्ता देना, इसके अलावा अन्य अलाउंसों पर सहमति बन गई है, वो सभी अलाउंसें दे दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि चेयरमैन बनाने व लगे अनुबंधित सफाई कर्मी, यानी सीवरमैन की बात करूं तो मैं, नियमित करने का लेकर 2023 के बाद रिक्त पदों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा, यानी कि सीवरमैनों को जल्द पक्का कर दिया जाएगा। इससे पहले सीवरमैन पक्के हो चुके हैं, इससे पहले आपको बता दें पेहवा के अंदर भी पक्के किए गए थे। वहीं पर नगर पालिका के कर्मचारी पहले भी पक्के हो चुके हैं और अब जल्द किए जाएंगे, ये भी सहमति बन गई। लेकिन NHM कर्मी अभी हड़ताल पे हैं।